और 30 दिसंबर को राम मंदिर की मुख्य मूर्ति का चयन होगा। 3 मूर्तिकारों ने बनाई है रामलला की अलग अलग मूर्तियां। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इनमें से एक मूर्ति का चयन करेगा। टीवी 9 भारतवर्ष के पास ये एक्सक्लूसिव खबर है। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। मंदिर के लिए रामलला की 3 मूर्तियां बनाई गई हैं। इन 3 मूर्तियों में से 22 तारीख को रामलला की एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इन तीनों मूर्तियों को बेंगलुरु के जीएल भट्ट, मैसूर के अरुण योगीराज और राजस्थान के सत्यनारायण पांडे ने तैयार किया है। तीनों मूर्तिकारों ने रामलला के बाल रूप की मूर्ति तैयार की है। रामलला की 5 साल की उम्र वाली इन तीनों मूर्तियों को 12 इंच के कमल दल पर खड़ी मुद्रा में बनाया गया है। अब इन मूर्तियों को फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। रामलला की तीनों मूर्तियों में से एक मूर्ति का चयन करने की प्रक्रिया होगी। 29 दिसंबर को श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होगी और इसी दिन अयोध्या में मुख्य मूर्ति का चयन होगा। इस बैठक में तीनों मूर्तियों में से किसी एक मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना जाएगा। तीनों मूर्तिकारों ने रामलला की इन मूर्तियों को तराश कर बेहद खूबसूरत, दिव्य और भव्य रूप दिया है। ऐसे में सर्वश्रेष्ठ मूर्ति का फैसला करने के लिए पैरामीटर भी तय किए गए हैं। कलात्मक मानदंडों और मूल्यांकन के लिए चुनिंदा लोगों के ग्रुप की रायशुमारी होगी। और रामलला की मूर्तियों को लेकर नई जानकारी सामने आई है। कारसेवकपुरम में बन रही है पहली मूर्ति, रामसेवकपुरम में दूसरी मूर्ति की फिनिशिंग जारी है। विवेक सृष्टि में तीसरी मूर्ति तैयार कर ली गई। ये वाला जो हिस्सा है वो राम मंदिर का जो दरवाजा है वो बन रहा है, उसमें ये जहाँ मना कर किया जा रहा है हमें, और जो गेट होंगे मंदिर के अंदर बनने वाले, लकड़ी के जितने भी दरवाजे बनाए जा रहे हैं वो साउथ इंडिया दक्षिण भारत से आए हुए लोग, ये जो पूरा टेंट वाला घेरा हुआ है उसमें है। और बिल्कुल सामने का जो हिस्सा दिख रहा है मंदिर के उस साइड का, और दोनों तरफ से ताले लगे हैं, टीन सेट में जो बना हुआ एक कमरा है, बहुत बड़ा सा कमरा है, उसमें मतलब हवा भी नहीं जा सकती इस तरीके से उसकी पैकिंग की गई है। उसमें रामलला की एक मूर्ति बन रही है। और ये जो शिला देख रहे हैं, इस शिला सड़क के उस पार अगर हम जाएँ तो यही रामसेवकपुरम का एक और हिस्सा है, वहाँ भी इसी तरीके से घेरा बनाया हुआ है टीन सेट का, और वहाँ रामलला की दूसरी मूर्ति बन रही है। तीसरी मूर्ति जो है वो विवेक सृष्टि में बन रही है। इन तीनों मूर्ति के बनने का काम बिल्कुल आखिरी दौर में है। 5 साल के रामलला कमल के फूल पर बनेंगे, और जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से बताया गया है कि जो मूर्ति सबसे ज़्यादा पसंद की जाएगी रामलला की, वही मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में उसकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कांची के शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती के निर्देश पर मूर्ति का चयन हो पाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट करेगा एक मूर्ति का चयन, दूसरी मूर्ति को उत्सव मूर्ति के तौर पर फिर चुना जाएगा। तीसरी मूर्ति की स्थापना पर उसी दिन फैसला किया जाएगा। वहीं मई 2023 से चल रहा है मूर्तियों का निर्माण। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के ग्राउंड फ्लोर के गर्भगृह में होगी। इस गर्भगृह में 5 साल के बाल रूप में रामलला विराजेंगे। ग्राउंड फ्लोर लगभग बनकर तैयार हो चुका है। ग्राउंड फ्लोर बहुत ही लंबा चौड़ा है। इस फ्लोर पर जमीन पर मार्बल की फ्लोरिंग का काम 50% से ज्यादा हो चुका है। कुछ हिस्सों में काम चल रहा है तो प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए गर्भगृह पूरी तरह से तैयार है। श्रीराम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर के गर्भगृह में रामलला की तैयार की गई 3 मूर्तियों में से एक स्थापित होगी। अब जान लीजिए कि आखिर किस आधार पर इन तीनों मूर्तियों में से एक मूर्ति का चयन होगा। मूर्तिकार की प्रतिष्ठा और पृष्ठभूमि देखकर ऑर्डर दिया जाएगा। मूर्ति के चयन के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी के सदस्यों का फैसला अंतिम माना जाएगा। मूर्ति में 5 साल के बालक की कोमलता देखी जाएगी। सौंदर्य, आकर्षण, दृश्य और प्रभाव देखकर चयन होगा। डिजाइन की रचनात्मकता और विशिष्टता का भी ख्याल रखा जाएगा। मूर्ति का जीवंत होना और जन जन में बसी छवि भी पैमाना है, तो मूर्ति कितने दिनों तक खराब नहीं होगी ये भी देखने वाली बात होगी।